ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन में निर्मित नूतन फुट ओवरब्रिज और एस्कालेटर को उद्घाटित करिसेंति केन्द्रमंत्री मनोज सिन्हा एवं उद्घाटन पर निजर अभिभाषण रखुचंति आसन देखिबा यार सीधा प्रसारण आधारभूत संरचना के नए काम इस इलाके में हुए हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के विकास में रेलवे की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी अधोसंरचना या आधारभूत संरचना जितनी मजबूत होगी उस राज्य की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी और मैं समझता हूं कि विकास में नए मानदंड स्थापित करने में उस राज्य को मदद मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में पुरानी लंबित परियोजनाओं के अलावा अनेक नई परियोजनाएं उड़ीसा राज्य में भारतीय रेल ने स्वीकृत की हैं और त्वरित गति से उस काम को आगे बढ़ाने का काम भी पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले 5 वर्षों में किया है। अभी 15 जनवरी 2019 को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बलंगीर आए थे। लगभग 1500 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पित किया। खुर्दा और बारीपाद में आयोजित समारोह में भी लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आधारभूत संरचना के विकास के बिना किसी क्षेत्र के विकास की कल्पना मुझे लगता है कि यह संभव है और रेलवे किसी भी क्षेत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार की ये मूल नीति वही है। प्रधानमंत्री जी जो भारतीय रेल को सामान्य आदमी के परिवहन का साधन मानते हैं उनके कारण और वर्तमान रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के कारण जो रेलवे की सबसे बड़ी कठिनाई थी वो कठिनाई थी निवेश की। आजादी के बाद जिस अनुपात में यात्रियों की संख्या बढ़ी या माल भाड़े की ढुलाई जिस अनुपात में बढ़ी उस अनुपात में भारतीय रेल का नेटवर्क हम नहीं बढ़ा सके। मोटे तौर पर 47 से लेकर 2014 तक भारतीय रेल के नेटवर्क में लगभग 40% की बढ़ोतरी हम कर पाए थे। जब से देश में पेट्रोल और डीजल बसेस लगा हाईवे के क्षेत्र में रेलवे की तुलना में 6 गुना से ज्यादा निवेश हो गया। देश की जनता की जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप रेलवे के नेटवर्क का विस्तार इस देश में नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझा और जहां 2014 तक 49,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारतीय रेल में निवेश किए जाते थे वहीं अब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय रेल में निवेश किए जा रहे हैं। अगर मैं उड़ीसा राज्य की बात करूं तो मुझे याद है हर बजट के पहले यहां से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाता था, विधानसभा के विभिन्न नेताओं का, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाता था, वहां के सांसद मिलते थे। उड़ीसा में रेलवे का एलोकेशन बढ़ाइए, रेलवे की अनेक परियोजनाएं लंबित हैं और नई परियोजनाएं जो पिछड़े इलाके हैं खासतौर से केबीके का वहां नई परियोजनाएं स्वीकृत करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यहाँ औसतन 900 करोड़ रुपए के आसपास प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य को भारतीय रेल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए मिलता था, अब वो राशि बढ़ करके 5,500 करोड़ के आसपास हो गई है। और मोटे तौर पर पिछले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 27,000 करोड़ रुपए उड़ीसा राज्य को रेल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिया है। 9 से 14 का औसत रेलवे बजट 838 करोड़ और 14 से 18 का औसत बजट 4,687 करोड़ है और 19 में जो बजट इंटरिम बजट रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसमें 6,892 करोड़ रुपए उड़ीसा राज्य को रेल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए हमने दिया है। लेकिन केवल बजट देना इतना काफी नहीं है, हमारे सामने काफी चुनौतियां हैं और खासतौर से खोरदा रोड बलांगीर परियोजना, हरिदासपुर पारादीप, अनुगुल सुपिंदा लाइन जैसी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। इस सरकार में इन सभी परियोजनाओं पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है। लंबित परियोजनाओं को पूरा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। निकट भविष्य में भी